यस यस मैं इतने पंजाब के थानी गलबात मेरी सीएम साहब ना हो सीएम साहब मैं की कह कोई होमा नहीं कोई हंकार नहीं जिमें 10-15 साल पहला सी जिमें 6 महीने पहला सी अज भी हूँ शायद उधरों ज़्यादा नहीं होगी और उन्होंने समझ आया कि कड़ी चीज नहीं कर सकता कोई नवी चीज लेके नहीं आया मतलब कि दर्द ए पीड़ बहुत से ऐसे लोगों में होंगी जिन्हों मैं 7 साल तो लगता रहा सरकार के लड़ता सत्ता के लड़ता सी उ गल करता कि पंजाब का उत्थान इनकम के लॉ एंड ऑर्डर के मसल में छड़ के वो जी इनकम पंजाब गिरवी रखता ठेकेदारी सिस्टम ठेकेदारी सिस्टम के पिछे पॉलिटिशियन खड़ा है मैं कदे कहदा ना लिया मेरा ना हजारा ले लिया डला ना मार के शायद अपना नाम भी थोड़ा बहुत चमका लेकिन मैं कदे किसी ने जवाब दिता क्योंकि मेरी निजी लड़ाई नहीं सी मैं सिस्टम के खिलाफ लड़ाई सी अज भी चल रही और मैनू एक चीज दिखती है मैनू एक चीज देखी पंजाब के जड़े गद्दार ने उन्होंने वक्त आ चाहे वह रेते वाली गल हो मैं जो मेरे रूह की आवाज सी मैं कही कि जितन ठेकेदार मुका देगा पिछे खड़ा पॉलिटिशियन दिख दूंगा होवे कोई तो जितन रेट फिक्स कर देगा रेते दे शराब कितने रेट तो बिना बिकती मित्रा सब कुछ सूट हो जूगा क्योंकि देर इज नथिंग कॉल्ड दी सैंड माफिया इट इज दी ट्रांसपोर्ट माफिया देश तेलंगाना एक हफ्ते के 57 करोड़ कमा साडिया सरकार 40-40 करोड़ कमा रही साल च फर्क कितने है फर्क ठेकेदारी 25 हैक्टेयर अलाउड है जी ठेकेदार दिती है 25 हैक्टेयर वो तो रेत है ही नहीं रेत की गल शराब की गल की भी भाई कारपोरेशन जी ठेकेदारी वाली गल करते हो ना जरा दिल्ली के दीप भलोत्रे उन्होंने नहीं खड़ना 400 बढ़ा लोगे 500 करोड़ बढ़ा लो जो बढ़ा तो 25,000 करोड़ का कट L1 दे लाइसेंस तो 10 कि कौन पंजाब का गद्दार जरा पोलिटिशियन वरतता सी ਕਿਹੜਾ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਸੀਨਾ ਜੁੜੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਕੋਤਲੇ ਜਾਣੇ ਇੱਕ ਸਮਝੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਤਾ ਫਿਰ ਵੀ ਤੱਕ ਔਰ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਉਹ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੂ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਔਰ ਜਿੱਦਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੂ ਜਾਜਾ ਕਰ ਬੈਠ ਲਓ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੜੀਆਂ GST तो परे ने पेट्रोल डीजल रेता कुछ हद तक तो शराब बिल्कुल जड़िया प्राइवेट डिस्टिलरिया ने कि एक्साइज ड्यूटी चोरी कर दी 100 रुपये की किन्ने विकती है किसी बोतल के उत्ते चिप हैगी ठीक है एक घट तो घट नहीं 25-30 हज़ार करोड़ की गेम है 10 हज़ार करोड़ के तो L1 के लाइसेंस ने मित्र प्यारिया तो जिन्हें चोरी की टंग दे जयकार करूँ कहे पार्टी दो उम्मीद है मैं उम्मीद है पूरी उम्मीद है और देखो तुम यह होना केवल मोनोपोली तोड़ मित्रा मैं लगता तोड़ू यही चीजा मैं 5 साल अपनी सरकार कहता मैं गुनाहगार मैं कोई अड चीज कहता किसी का ना लिया उ सिस्टम मोनोपोली तोड़ मित्रा जिथे देखो घी करके तारा पालिया
ਜਿੱਥੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਤਾਰਾਂ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਉਹਦੇ ਹੈਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਵੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੇ ਸਾਡੇ ਫਾਸਟ ਵੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਇੰਨੇ ਦੇ ਕੈਮਰਾ ਨੀਚੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਟੀਵੀ 18 ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਮੰਗਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਰਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਦਲੂ ਗੁਰਬਾਣੀ सात साल पहला क्या सर्ब सांझी है क्यों एक चैनल आवे भाई मैनू लगता है ना तब तक आस सिद्धू जी पंजाब खड़ते आई यार सवाल हाले तेरे कोई मेरी गल की मैं पिछले सत्तर साल में इतने ही लग्या तू मैं टीआरपी वाले उस चैनल जाई मैं उलझना चौथी चीज चार पांच कंपनियां नूं आउटसोर्स किया भाई कानून ते 92 एमएलए ने बनाना ते कानून बनाई जांदियां कंपनियां ते एमएलए की करू ये भी मैनूं लगदा खास है मैनूं हो तो जाए कान नहीं है तो पहरेदारी सीधा साफ और मैनू अज ये महसूस हो मैं किसी चीफ मिनिस्टर नहीं मिले जिन्ना क दर्द मैनू है उन्होंने समझे हो ठीक है कर भाई पीपी रद्द चले रद्द हो गए स्मार्ट पीपी टैरिफ ऑर्डर करो पब्लिक इंटरस्ट के और कहो कि लोगों जी बिजली 2 रुपये की मार्केट के 17 की क्यों मिले दौ डायरेक्टिव थोक के डायरेक्टिव दौ जो बोर्ड है ये मैंडेटरी है पब्लिक इंटरस्ट क्यों लागू करो लेकिन आपके पैसों का इनकम का 25 से 30 हज़ार करोड़ रुपया मिनीम 10 हज़ार करोड़ तो एलवन के लसंस 25 से 30 हज़ार करोड़ शराब तो जे दिल्ली मॉडल तो 20 हज़ार करोड़ नहीं निकलिया तो भाई साढ़े वाला ला लै समझ नहीं 2-3 हज़ार करोड़ रुपया कर लिया ऐसा कोई कंपीटिशन कर नहीं रहे मेरी गल सुन छड़ाओ जमीन लाओ नाम भावें कोई मुख्यमंत्री हो भावें किसी पार्टी का होको नाले प्रॉपर्टियां सीज करो हिम्मत किवें हुई पंजाब दी जमीन दबण जिन्नी जमीन छड़ाइया मैं तारीफ की डट के की जो मैं फाइलां लेके गया जिसे कोल लेके गया उन्हें दबी हुई उन्हें कार्रवाई की करनी लोगों ने वो रिवायती सिस्टम बदलता मौका है इतिहास वह क्रेडिट वह साड़ी तो पहरेदारी है जे करूँ जय जयकार भाई माइक ही ला देना थोड़ा सा नहीं तो सिद्धू पहरेदार कोई बिच वाला काम ही है नहीं और मैं आने वाले समय के बिच भी इस मीटिंग नूं भी अज कोई फुल्लां वाली मीटिंग नहीं गिणा उही पंजाब के लोगों की जिंदगी नूं बदलन दे मसले लॉ एंड ऑर्डर की गल करिए फाइनैंशियल एमरजेंसी की गल करिए नशा देखो तुसीं किस तरीके दा नशे की गल करिए जरा पॉलिटिशियन ड्रग पेडलर और पुलिस के नैक्सस है तोड़ी जब तक नहीं टुटूगा थोड़ा आपू एहसास होगा वो तक यह सब कुछ चली जाऊगा बड़िया मगरमच्छ कां टगो जे गुनाहगार ने सज़ा दो जे राज चंगा काम करने वाले की पिट नहीं ठोकोंगे माड़ा काम करने वाले सज़ा नहीं दोगे वो तबाह होएगा ही ये प्रमाण है पिछले इन्ने साल लेकिन जिस तरह उदा लड़ता रहा कोई मुद्दे अज नवे नहीं चके पर एक नवी सोच पंजाब के लोगों ने एक नवा मैंडेट वो मैं रिस्पैक्ट कर वो मैं इज्जत कर ये नहीं कि सानू अहुदे चाहिए पंजाब की सदगति दे विच वो खुशी मिलेगी एग्जीक्यूशन की ताकत इन्हां कोल पोलिटिकल विल अगर दिखाएंगे तो मेरे वालों शुभकामना मेरे वालों पंजाब की सदगति दे विच मेरा कल्याण कर ये अरदास
हमेशा होंगी रहेगी। बाकी सीधी जी गल है मित्र प्यारे, मैं दुनिया को जवाबदेही हो ना अपने अंदर बैठे परमात्मा को जवाबदेही, और मैं परमात्मा पंजाब के लोगों की वर्करी वो करनी है। पंजाब के लोगों की वर्करी सब तो वो दात होती है। इन्ना मैं कहना सी सवाल नहीं, कोई कोई होर हो नहीं, थोनू जी इनफॉरमेशन उत्ते जो होया मैं वो इनफॉरमेशन दे के चलिया दूसरी मीटिंग में, बहुत पॉजिटिव पॉजिटिव इस करके कि देखो जदों कोई बंदा रिसेप्टिव होंदा ता ही थोनू 50 मिनट का पता नहीं लगता, नहीं तो वक्त ठहर जाता जिथे थोनू ये लगता है कि बंदा रिसेप्टिव नहीं सामने तो वक्त ठहर जाता। तो पाइए मैं अपनी सरकार च अपने मुख्यमंत्रियों को कहता रहा, पहली कैबिनेट च कैप्टन अमरिंदर सिंह ये बंद कर चोरी आए रूल आ चक आ कानून खड़ा कर, कोई नवा वो तो नहीं किसी का ना नहीं लिया, सिस्टम की लड़ाई जारी। इस दिन पहले सर।